दोस्तों एक गांव है जहां लोग पानी के लिए गांव में मौजूद एक तालाब का इस्तेमाल करते हैं। गांव में मौजूद हर व्यक्ति का उस तालाब पर अधिकार है, क्योंकि ये तालाब सबका है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सबका अधिकार होता है, उसको सही सलामत रखने की जिम्मेदारी किसकी है और कौन इस जिम्मेदारी को ज़्यादा अच्छे से निभा सकते हैं, वहाँ के लोग या फिर सरकार? जानेंगे पूरी बात, आइए शुरू से समझते हैं। ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति, समूह या सरकार का मालिकाना नहीं होता, ऐसे संसाधनों को कॉमन्स कहा जाता है। इसीलिए ये संसाधन समुदाय के द्वारा मिलकर उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें ग्रामीण चारागाह भूमि, स्थानीय तालाब, जल, नदियाँ और शहरी पार्क शामिल होते हैं। इसके अलावा इंटेंजिबल रिसोर्सेज में भाषा, पारंपरिक ज्ञान, लोक कला और नृत्य भी शामिल होते हैं। वैश्विक स्तर पर आर्कटिक, अंटार्कटिका, चंद्रमा, मंगल ग्रह या अन्य ग्रह भी वैश्विक कॉमन्स में आते हैं। डिजिटल युग में इंटरनेट और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी डिजिटल कॉमन्स की श्रेणी में आते हैं। ये संसाधन हमें स्वच्छ हवा, पानी और कई अन्य चीज़ें प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि ये संसाधन सबके लिए उपलब्ध होते हैं, ऐसे में इनका अधिक उपयोग और दुरुपयोग भी हो सकता है यदि इनका सही से प्रबंधन नहीं किया जाए, तो ये जल्द ही समाप्त हो सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समस्या को समझने के लिए एक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट विकसित हुआ, जिसे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई संसाधन सबके लिए उपलब्ध होता है, तो व्यक्ति उस संसाधन को जरूरत से ज़्यादा उपयोग करता है, जिससे संसाधन जल्दी खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक गांव में अगर सभी लोग एक ही जंगल से लकड़ी काटते हैं, तो जंगल जल्द ही खत्म हो सकता है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस समस्या को सिर्फ सरकार या बाजार द्वारा बनाए गए नियमों से ही हल किया जा सकता है। लेकिन एलिनोर ओस्ट्रोम, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री और सोशल साइंटिस्ट थी, उन्होंने इस पर एक नई सोच पेश की। उनके मुताबिक जब स्थानीय लोग खुद अपने संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, तो ये अधिक प्रभावी और टिकाऊ हो सकता है। ओस्ट्रोम की किताब गवर्निंग द कॉमन्स ने इस बात को प्रमाणित किया है और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, जिससे वो आर्थिक विज्ञान में नोबेल जीतने वाली पहली महिला भी बनी। उनके शोध ने ये साबित किया है कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी से भी हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। भारत में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस कानून के तहत वनवासियों को जंगल पर अधिकार दिए गए। पहले केवल वन विभाग जंगलों का प्रबंधन करता था, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट ने स्थानीय समुदाय को भी इसमें शामिल किया। अब वनवासी अपने जंगलों की देखभाल खुद करते हैं और उन्हें इसके लाभ भी मिलते हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए एक बड़े इवेंट में एनजीओस और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन ने कॉमन्स के प्रबंधन पर चर्चा की। उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों को ज़्यादा अधिकार और समर्थन देना चाहिए, ताकि वे अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकें। इसके लिए नए कानून और ढांचे बनाने की जरूरत है, जिससे न केवल संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल होगा, बल्कि स्थानीय लोगों की भूमिका भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कॉमन्स के बारे में। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।